जब तक इन अंधों की आंखों के अंदर एक लाइट होती है टॉर्च से किसी और चीज से, इनकी आंखों में मिसाल बना के लकड़ी की इनकी आंखों में नहीं देंगे तो ये हमें कुछ नहीं देने वाले। वो भी कोई हिम्मत वाला है उसके पीछे तो वो ले ले, नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलता। जगह भी बात सोचने और समझने की है, जगह भी है, ड्यूटी भी है, मारने वाला भी है, हथियार भी है और देश भी है। ये पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर तो सिर्फ आप लोगों पार्लियामेंट में बैठने वाले जो कानून चाहो जो बनाओ। उन छह आठ सैनिकों ने क्या कसूर किया था कि उनकी ना पेंशन, ना शहीद का दर्जा, ना उनके बच्चों को कोई फैसिलिटी, और फिर बोलते हैं बड़ा सीना चोड़कर जी हमने बाहर जाके दूसरे देशों में बोलते हैं हमने देश के अंदर ये किया। देश के आठ सैनिक बलों को तो पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम लोग अच्छी तरह ये सोचे, मैं रणवीर सिंह जी मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आप लोग उस पर सहमत हो या ना हो ये आप लोगों की मर्जी है, हर आदमी की मर्जी अपनी है, लेकिन हमारा आंदोलन रणवीर सिंह जी जैसे पिछले दिनों में ठप रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक इन अंधों की आंखों के अंदर एक लाइट होती है टॉर्च से किसी और चीज से, इनकी आंखों में मिसाल बना के लकड़ी की इनकी आंखों में नहीं देंगे तो ये हमें कुछ नहीं देने वाले। मेरे दोस्तों एक छोटी सी बात की तरफ ले जाऊंगा ध्यान, और रणवीर सिंह ये सुनेंगे। दो हम 10 तारीख को यहाँ आए, कुछ लोगों के काम थे हमारे दफ्तर में। सरकार तो सरकार है, जो हमारे खुद के कर्मचारी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो आरएनबी आप जानते होंगे पीडब्ल्यूडी लाए, हमारी मैं हिंदुस्तान की 20 लाख फोर्स क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।